और वो राजा हो करके और फिर ये बात सोच रहा है, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। और बंधुओं कहा अनार्य परदार व्यवहार है, कालिदास ने कहा वो लोग अनार्य होते हैं जो परदार दूसरे की स्त्री के प्रति मन के अंदर ऐसा भाव लाते हैं जो न्याय उचित नहीं हुआ करता। कितनी सारी और बातें बताई गई इस संबंध में, और बंधुओं ये सारी बातें तभी होती हैं जिसकी बुद्धि ठीक हो, और जब बुद्धि खराब हो जाती है ये सारी शिक्षाएं सारी बातें आदमी भूल जाता है, इतिहास भूल जाता है, शास्त्र भूल जाता है, नीति भूल जाता है। दुनिया में रावण भी हुआ, इतना वीर और बहादुर था, इतने विद्याओं से संपन्न था, इतनी संपन्नता सब तरह से उसके पास में थी, लेकिन पर स्त्री चिंतन से उसका सब कुछ नष्ट हुआ, स्वयं मारा गया, सारे बेटे उसके मारे गए, लंका नष्ट हुई, कितना कुछ हुआ सिर्फ एक इस चिंतन से, एक इस पाप के द्वारा, इस विचार से। कीचक नाम का राजा हुआ, कीचक बंधुओं द्रौपदी के प्रति वह बुरा भाव रखा करता था, और वह अपने अधिकारों के कारण से गलत व्यवहार आचरण करने लगा था, और फिर उसका परिणाम हुआ उसकी मृत्यु, और बुरी तरह से वो मारा गया। ये सब इन पापों के कारण से हुआ। पाप व्यक्ति को गिरा देता है। पाप की परिभाषा थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। पात इति आत्मानम, जो व्यक्ति की आत्मा का पतन कर दे, गिरा दे, उसको पाप कहते हैं। थोड़ा सा विचार कर लो, कोई भी किसी भी तरह का कोई पाप है, पात इति गिरा देता है, पाप का विचार आया मन के अंदर, व्यक्ति का उसकी आत्मा का पतन शुरू हो जाता है। और पुण्य क्या होता है, पुनाति, जो आत्मा को पवित्र बना दे, ऐसा कार्य पुनाति ते पुण्य, जो व्यक्ति की आत्मा को पवित्र कर दे। पुण्य का काम सोचने भर से व्यक्ति का तेज, उसके मन की खुशी, उसका आत्मबल, ये सारे बढ़ जाते हैं। कब, कि जब उसमें धर्म भावना, पुण्य भावना होती है, और जब पाप भावना होती है व्यक्ति का पतन होता है। बंधुओं, चर्चा विचारों की है, चर्चा पाप और पुण्य की है, चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन की है। थोड़ी सी बात पाप और पुण्य की समझाना चाहूँगा। रावण ने सीता के बारे में शूर्पणखा से सुना कि वो बहुत सुंदरी स्त्री है, और रावण ये निश्चय कर बैठा इतनी सुंदरी स्त्री मेरे महलों में होनी चाहिए, उसको कैसे प्राप्त किया जा सके। वैसे तो लाया नहीं जा सकता, छीन कर ला नहीं सकते, क्योंकि राम और लक्ष्मण स्वयं बड़े बलवान हैं, फिर क्या कैसे हो। उसने योजना बनाई, धोखे से लाया जाए। बंधुओं, उसने रास्ता क्या चुना, धोखे का, और धोखा भी किस तरह से, साधु बन करके, ताकि मैं उसे धोखे से ला सकूं। वो सारी योजना बना ली उसने, सब कुछ, कि मैं इसे साधु बन करके ऐसे जाऊं और जा करके इस तरह से मैं उसे ले आऊंगी। उसने सारी बातें, मारीच को भी शामिल कर लिया, ये सारी योजना बना ली। योजना के तहत वह राज्यसभा में कह करके मैं कल नहीं आऊंगा, वह जंगल में गया, और जंगल में जा करके उसने अपना राज्य की वेश उतार दिया, और साधु का बाना उसने पहन लिया। साधु का बाना पहनने के बाद उसने और भी सारे कार्य किए, अपने बाल बखेर लिए या जूड़ा बना लिया,
मैं अपने मुंह पर राख लगा ली, ताकि जैसे साधु लोग सन्यासी लोग लगाते हैं, शरीर पर राख लगा ली और फिर मांगने वाले कप पर हाथ में ले लिया, देखा मैं साधु लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। उसे लगा मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। रावण चल दिया, रावण जा रहा था, छुप कर जा रहा था। पाप छुप करके किया जाता है, कोई देख ना ले, व्यक्ति के मन में रहता है। और पुण्य, पुण्य छिपाया नहीं जाता होता, आनंद है। आओ भाई तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी भाग लो, आओ अपन चलते हैं। रावण छिप छिप करके जा रहा था, कोई देख ना ले। पर एक बात तो आप भी जानते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता भी आपके मन में छिपने की कोई बात किसी भी प्रसंग से आई हो, किसी के अंतर में अगर आई हो वो जानता है। जितना बच के चलोगे ना, पड़ोसी ना देख लें, पड़ोसी मिलेगा मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। आदमी ये सोचे कोई देख ना ले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा। और आदमी सहज भाव से निकल जाओ, कभी कोई नहीं मिलता, मिले तो कोई टोकता नहीं। और अगर छिप करके चले, मिलेगा जरूर, ऑटो के बिना रहेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी। वो तो जा रहा था छिप छिप करके, कोई देख ना ले। वो सामने से मंदोदरी आ गई, मंदोदरी उसकी पटरानी। मंदोदरी ने कहा लंका में साधु कहाँ से आ गया? वो आई थी बाग में कहीं, वो खड़ी होगी कि लंका में साधु महाराज आए हैं, चलो नमन कर लें, भिक्षा दे दें। वो खड़ी हो गई। रावण ने दूर से देखा, बोल ये कहाँ से आ गई? वो धीरे धीरे चलने लगा, किसी तरह से ये निकल जाए। वो क्यों जाने लगे? वो तो खड़ी हो गई। बोले ये देर करवाएगी और सारी जितनी योजना है वो सारी फेल होगी। फिर भी रावण को आना पड़ा। रावण को देख किसने पहचान लिया? मंदोदरी। बोले महाराज ये क्या, आप साधु कब से बन गए और मेरे बिना पूछे? ना ना, मैं कुछ साधु नहीं, मेरे को जाने दे। मैं नहीं जाने दूं आपको, आप कैसे कैसे चले जाओगे? मैं नहीं जाने दूं, बात बताओ ये आप सन्यासी कब से बने? एक जरूरी काम है। क्या काम है? काम बताओ मेरे को, जिसके लिए आपको सन्यासी बनना पड़ा वो काम बताओ। सारी बातें पूछा करते। बोले क्यों नहीं पूछूंगी, मैं आपकी रानी नहीं हूं, मैं पूछूंगी, बात बताओ मुझे। रावण ने कहे सारी बात पूछ के मानेगी, रास्ता रोक लिया। आखिरकार उसको बात बतानी पड़ी कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, एक सीता नाम की स्त्री है, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। सारी बात बतानी पड़ी। मंदोदरी सुनकर हैरान रह गई और मंदोदरी कहने लगी आपके लिए शोभा लायक है, ये बात शोभाजनक है, ऐसा काम करोगे आप? बोले नहीं नहीं मैं राजा हूँ, मैं अपने मर्जी से चलूँगा, रास्ता छोड़। बोले रास्ता तो मुझे पता है कि आप पुरुष हो और आप निकल जाओगे, पर एक बात आपको बता देता हूँ, आप सुन लो। आपके मन में पाप की बात आई, पर स्त्री के अपहरण का पाप का विचार आपके मन के अंदर आया। इसका नतीजा क्या हुआ? आपके मुंह के ऊपर राख लग गई, काला मुंह हो गया आपका। कैसा मुंह हो गया भाई? काला मुंह हो गया। और जिस हाथ में राज दंड रहता ना, दुनिया थर्राती है, उसमें मांगने वाले कटोरा खप पर आ गया। ये हाल तो आपका बुरा विचार करने से हो गया, अभी किया नहीं है, खाली विचार आया, बुरा विचार। इतना काम, मुंह काला हो गया, हाथ में मांगने का कटोरा आ गया, ये हो गया, बालों में राख लग गई आपके, जहां मुकुट सजा करता है, ये तो बुरा विचार आते हो गया। और याद रखना, ये काम आपने कर दिया तो उसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। इतना तो विचार करने से हो गया, अगर ये काम कर दिया आपने, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। रावण निकल गया अहंकार के कारण, सोच नहीं पाया। और आप जानते ही हैं उस काम के कारण ही रावण का सर्वनाश हुआ। बंधुओं, पाप के विचार बहुत खराब होते हैं,
पाप करना तो खराब और बुरा है ही है, विचार ही बुरे होते हैं, उसके मन के अंदर क्या विचार था। किसी तरह छोटा भाई, भाई की बात करेंगे, वो युद्ध में भेज दिया और क्या सोचता, वो वहाँ मर जाए और फिर मैं उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लूँ, ऐसे पाप के विचार उसके मन के अंदर थे। इनका क्या परिणाम निकला, क्या हुआ, ये कथा का आगे का भाग है। उस आगे के भाग को समय के साथ फिर आगे कहेंगे। आज की चर्चा को विराम देता हूँ और अब उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनका जीवन पावन था, पवित्र था और महान था, और जो मंगल रूप हो गए थे, जिनका स्मरण हम मंगल में करते हैं, उन महापुरुषों की कथा और कैसे अद्भुत। महावीर निर्वाण सुसंवत 146 शुभ कार्य 30 वर्ष भर यौवन में श्रमण धर्म दी क्षाधारी भूल के अग जग स्वाध्याय अरु संयम में तल्लीन हुए सेवा समर्पण भक्ति भाव अरु समता में लवलीन हुए विनय भावना भी करते थे विनय भावना भी करते थे सकल संग नयनन तारे आर्य श्री संभूत विजय की होन हार श्री शे प्यारे सूक्ष्म ग्राहे प्रज्ञ प्रताप से आगम में प्रमाण बने अल्प समय में 11 अंग के पारगामी विद्वान बने उनके रवि सम तपो तेज से उनके रवि सम तपो तेज से धरा गगन दमकाते जिन शासन गौरव गाते हैं हम निज जीवन सफल बनाते हैं। दीक्षा ले सुना था आपने पिछली चर्चाओं में, सूर्यभद्र ने दीक्षा ग्रहण कर ली, मुनि हो गए। मुनि हो जाने का अर्थ ये नहीं वे मुनि हो गए, बस मुनि हो गए। मुनि हो जाने का अर्थ है अब संसार के मार्ग से संयम के मार्ग पर आ गए, इस पर चलेंगे फिर मोक्ष में पहुंचेंगे। इस मार्ग पर आ गए आज ही मोक्ष हो गया, आज ही सब कुछ हो गया। भगवान महावीर के 146 वर्ष के बाद की घटना है। 30 वर्ष के भर यौवन में स्थूल भद्र ने दीक्षा ली और फिर सब कुछ भूल करके स्वाध्याय में निमग्न रहते संयम चर्या का शुद्ध रूप से पालन करते हैं, संग सेवा गुरु सेवा करते हैं, भक्ति से भक्ति भावों से भरे रहते हैं, समता जीवन का आनंद है, विनय की साधना है, और यूं इस तरह से सारे संग की आंखों के तारे बनकर चमकने लगे। कमाल है, इतनी नम्रता, और राजघराने से आया ये व्यक्ति इतना नम्र, इतना सज्जन, इतनी सेवा की भावनाएं, सब वाह वाह करते। और क्या, संभूत विजय के ये शिष्य, इनमें कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। गुरु से आगमों का ज्ञान लेते हैं और पढ़ते पढ़ते 11 अंगों का अध्ययन कर लेते हैं। उस समय 12 अंग उपलब्ध थे, इन्होंने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया और जीवन सूर्य के समान तेजस्वी हो गया।
सबकी निगाहें उस ओर रहती हैं, सब उनके प्रति श्रद्धा भक्ति और भावना से भरे हुए रहते हैं। यूं संयम के पथ के ऊपर जीवन का रथ आगे बढ़ने लग रहा है। बंधुओं, चतुर्मास करने के दिन आ गए। कौन से दिन भाइयों? पश्चिम बिहार वालों, आज का जमाना तो यूं है, सारे बैठे हैं भाई रामनिवास जी। हाँ भाई, चमासा देखो किसका करवाना, आपका मीटिंग बैठती है, सब जगह की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, इनका करा लो, उनका करा लो, और भी पास है भाई, इनका करा लो। उस जमाने में लोग भी प्रार्थना करते थे और साधु भी अपना स्थान स्वयं चुन लेते थे। ये कैसे, ये तो आप सुनोगे तो पता चलेगा ये कैसे हो जाता था। संघ में बहुत सारे साधु थे, सबके अपने अपने विचार थे। उस जमाने में एकल विहार भी था, अकेले भी विचरने का था उस समय में। संघ में से एक साधु ने कुछ अपने ध्यान समाधि में कुछ विचार किया। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने इतनी साधना कर ली, जब तक सोना कसौटी पर नहीं कसा जाए क्या पता है कि अंदर कितना खोट है, कितना ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है, क्या स्थिति है। अपने आप को कसना भी तो चाहिए। मैं आपसे सवाल करूं, भगवान महावीर अनार्य देश में क्यों गए? आर्य देश में क्या कमी थी? यहां भी बहुत जमीन थी, अपने कर्म निर्जरा के लिए गए। किस लिए गए? अपने समता को कसने के लिए गए। देखेंगे परीक्षा आएंगे।